नमस्कार, खबर की तहतक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार रायसेन के बरेली से। नगर में चल रहा रोको टोको अभियान 16 व्यक्तियों पर हुई चालानी कार्रवाई। कोविड 19 के बढ़ते हुए ओमिक्रॉन की तीसरी लहर से सतर्क कर रहे तहसीलदार संतोष बिटोरिया एवं पटवारी अमित श्रीवास्तव के साथ नगर परिषद के कर्मचारी बाजार में दुकानदारों एवं आम लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दे रहे। वहीं बिना मास्क के दुकानदारों एवं राहगीरों पर चालानी कार्रवाई कर 2800 रुपए की रसीद काटी गई। चालानी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। अमले को देख प्रत्येक व्यक्ति मास्क एवं कपड़े से मुंह ढकता नजर आया। सुनिए क्या कहते हैं तहसीलदार। पिछले हम लोग 3 दिनों से लगातार रोको टोको अभियान चला रहे थे। कल तक हम लोगों ने चेतावनी दी थी। आज हमारी नगरपालिका राजस्व की पूरी टीम लोगों के चालान काटने की कार्रवाई कर रहे हैं। कितने का चालान? 100 रुपये का चालान काट रहे हैं और जो बड़ा दुकानदार है उसका 200 रुपये का काट। और भी जो ज़्यादा ढीठ टाइप के लोग हैं उनके ज़रा कुछ ज़्यादा ही पेनल्टी लगा रहे हैं।